Good morning, students. How are you all? You all are fine. Very good. Fine ही रहना, अच्छे से रहना. जब तक आप घर में हैं, जब तक आप सेफ हैं, है ना? कोरोना वायरस हो रहा है ना अभी बाहर. कोरोना डिसीज बहुत स्प्रेड हो गया ना. ये बहुत ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है. इसलिए प्लीज कहाँ रहना है, ज्यादा से ज्यादा घर में रहना है. और इसीलिए आपके स्कूल भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ में ही अच्छे से रहना है, घर में ही अच्छे से स्टडी करना है और बहुत बार प्रैक्टिस करना है. बिकॉज जब आप स्कूल आएंगे तो आपको ये सब चीजें लिखना भी याद होना चाहिए, नहीं तो आप वापस एलकेजी में रह जाओगे, है ना? हमें आगे बढ़ना है ना, यूकेजी में जाना है ना, एक क्लास और आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नए नए नंबर से याद करना पड़ेगा, नए नए तरीके से लिखना सीखना पड़ेगा, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, सब चीज करना पड़ेगा, है ना? कैसे उसको राइट करते हैं, लिखते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं मैथ्स में, ये सब चीजें हमें आना बहुत जरूरी है. ओके, देन आर यू रेडी? ऑफ कोर्स यू ऑल आर माय लविंग एंड गुड स्टूडेंट. आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है? अपने अपने घर में रहना, अपने अपने मम्मी पापा का कहना सुनना, और जैसे स्कूल में आपको मिस पढ़ाती है ना, वैसे ही घर में आपकी मम्मा आपको पढ़ाएंगी, ठीक है? ये वीडियोस दिखाएगी, तो ऐसे नहीं सोचना कि हम मोबाइल में देख रहे हैं. आपको ऐसा सोचना है कि मैं स्कूल में क्लास में बैठा हुआ हूँ या मैं क्लास में बैठी हूँ और मुझे बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको पेपर भी करना है ना. ओके, देन जल्दी से पेंसिल निकालो, अपनी नोटबुक निकालो, हाउ टू राइट द नेक्स्ट नंबर ऑन वन नंबर क्लास. हमने क्या क्या पढ़ लिया था यस्टरडे, वी हैड लर्न फ्रॉम 0, 1, 2, up to 3, वी हैड लर्न हाउ टू राइट इट, ठीक है? नाउ टुडेज ऑल्सो आवर टॉपिक इज, फर्स्ट आई विल ड्रॉ हियर इज माय स्क्वायर बॉक्स पेजेस. ये मेरा स्क्वायर बॉक्स वाला पेज है. आपके पास तो ऑलरेडी कॉपी है इसमें, है ना? तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव नो कॉपी, दैट इज व्हाई मुझे ब्लैक बोर्ड पे आपको ये कॉपी का पेज बता के ही पूरा लिखना है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. आपको 0 से ही पढ़ना है. पहले हमने 0 से स्टार्ट करा था. फर्स्ट वी विल राइट अवर हेडिंग. सबसे पहले हम अपना हेडिंग लिखेंगे. हेडिंग मतलब हम जो पेज पे करने वाले हैं उसके बारे में हम ऊपर लिखेंगे. ओके, सी ओ यू एन टी आई एन जी, काउंटिंग. ओके, क्या लिखा आपने? सी ओ यू एन टी, सी ओ यू एन टी, काउंट. क्या हो गया? सी ओ यू एन टी, काउंट. आई एन जी इंग, काउंटिंग. ओके, आपको पढ़ना भी आना चाहिए रोज रोज स्पेलिंग पढ़ना, ताकि आपको हमारा जो क्वेश्चन है मैथ्स में वो समझ में आएगा. काउंटिंग, अब काउंटिंग करना है. अवर काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम क्या लिए? वेरी गुड, 0. ये 0. ओके, 0 के बाद 1. कैसे बनाना है 1? ऐसे स्टैंडिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन. ओके, ये छोटी सी स्लाइडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन, ठीक है? ओके, स्लाइडिंग स्लिपिंग लाइन पता है ना? हाँ, नहीं पता है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. देखो, ये स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब सीधी, जैसे हम सीधे खड़े हैं ना, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन. अगर हम ऐसे थोड़े से टेढ़े हो गए तो हम कैसे दिख रहे हैं? ऐसे टेढ़े दिख रहे हैं ना, है ना? जो तिरछी लाइन होती है, ऐसे टेढ़ी लाइन होती है, उसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन.
सोते हो, स्लीप करते हो तो कैसे सोते हो? बिस्तर पे पूरे सीधे सोते हो ना? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, हमारे मैथ्स में ये सब चीजें यूज होंगी। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब तीनों का हम यूज करेंगे। जैसे हमने छोटा सा यहाँ पे कौन सी स्लैंटिंग लाइन लगा दी, फिर स्टैंडिंग और ये वाली स्लीपिंग, तो क्या बन गया हमारा? इट इज वन। क्या बन गया बेटा? है वन बन गया। ये हमने वन बनाया। टू बनाने के लिए क्या करेंगे आप? टू बनाने के लिए दैट इज वेरी सिंपल, ऐसे करना है। कैसे? आपको हाथ से बताया था मैंने, ये ऐसे है ना, हमारा हाथ दिखता है ना ऐसे, सेम वैसे इसको टर्न करना है। फिर स्लीपिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन क्या बन गया? टू। क्या बन गया? टू। देन इधर का जो हम ऐसे कर्व करते हैं, आपको ऐसे थ्री बनाते हो ना, तो ये तो अनार आम का हो जाएगा, वो उल्लू का हो जाएगा, है ना, वो ऊन का, वो उल्लू का, अनार का हम हिंदी में बनाते हैं, बट मैथ्स में हम ऐसा वाला थ्री नहीं बनाएंगे, बिकॉज ये करेक्ट वाला नहीं है। हम लोग कैसे बनाएंगे? स्लीपिंग लाइन। ओके, स्लीपिंग लाइन में स्लैंटिंग लाइन और उल्टा सी, ये ऐसा कर्व। इट इज थ्री, जीरो, वन, टू, थ्री। फिर से करना मेरे साथ, सब लोग ऐसे कर लो। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स जीरो। ये वाला जीरो हमने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया? जीरो। अब हम इसमें से स्टार्ट करेंगे, वन, टू। टू बोलते से सेकेंड वाला फिंगर ओपन करना है, थ्री, वन, टू, थ्री, फोर। अब फोर बनाने के लिए क्या करना है? पहले स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। कैसे बनाना है? या आपने टू बना दिया, या आपने थ्री बना दिया, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज फोर। कैसे? स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्ट्रेट यानी सीधी स्टैंडिंग लाइन। ओके कैसे? वन, टू, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व, थ्री। वन, टू, थ्री। फोर के लिए कैसे करना है? स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, दैट इज फोर। ओके, आप क्या करते हो? ऐसा वाला फोर बना देते हो, है ना? ये ऐसा वाला फोर अगर हम बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? प पतंग का। हिंदी में ऐसा प पतंग का हो जाता है। हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, वी आर लर्निंग द नंबर्स, नॉट इन हिंदी और इंग्लिश मैथ्स, है ना? हम लोग तो मैथ्स में नंबर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक बहुत सुंदर नंबर लिखना आना चाहिए। फोर, क्लियर? वन, टू, थ्री, फोर। देन फाइव। कैसे? ये बन गया जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब फाइव कैसे बनाना है? फाइव कैसे बनाएंगे? फोर तक तो आपको आ गया, वन, टू, थ्री, फोर। देन फाइव अगेन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। कहां से? ऐसे स्टार्ट करके ऐसे लाना, फिर कर्व। फाइव कैसे बनाना है आपको? स्लीपिंग, स्लैंटिंग और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग और कर्व। अगेन
कर्व का मतलब होता है समूरा हुआ, ठीक है, ये कर्व है, हाफ सर्कल, ओके। फाइव फाइव, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जीरो जल्दी से करो, जीरो ये थंब से ऐसे फिंगर्स दबा लो, आप वन बोलेंगे तो फर्स्ट फिंगर वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ओके ऐसे करना है आपको, दिन भर प्रैक्टिस करना है ताकि हम लोग उसके काउंटिंग सीखेंगे फिंगर्स पे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, आफ्टर फाइव सिक्स, सिक्स आ गया, अब सिक्स कैसे बनाना है, दैट इज वेरी सिंपल, सिक्स नंबर कुछ भी नहीं करना है, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग के बाद सर्कल यानी जीरो जीरो सिक्स, कितनी जल्दी बन गया, स्लैंटिंग लाइन सर्कल सिक्स, ये हो गया हमारा सिक्स, ओके जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखना है आपको, हम एक लाइन यहां पे छोड़ देंगे, लीव वन लाइन, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम अगेन नेक्स्ट लाइन, हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, पर कहां से, इस वाली लाइन से, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर जीरो वन देन टू, जल्दी बोलते जा रहे मेरे साथ, टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके की सवर सिक्स, अगेन वी विल लीव दिस लाइन, फिर से इस लाइन को छोड़ना है, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके अप टू सिक्स यू विल राइट इन योर नोटबुक, दैट मीन्स आपको सिक्स तक आज लिखना है, कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑन द फिंगर, फिंगर्स पे कैसे स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाउ मेनी टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमारे फाइव फिंगर्स हैं, हमने एक हाथ पे फाइव लिया और दूसरे हाथ से सिक्स नंबर शो करा, ओके आपका ये होमवर्क है, डू इट हाउ मेनी टाइम्स, दिस योर होमवर्क ऑल्सो, कैसे लिखना है आपको होमवर्क में, आई विल गिव हियर होमवर्क, आपको देखना है इस वीडियो को और उसे कितने टाइम्स में लिखने के लिए दे रही हूँ, ये भी देखना है, होमवर्क राइट हाउ मेनी टाइम्स बेटा, टू फुल पेजेस काउंटिंग फ्रॉम, कहां से लिखना है, काउंटिंग फ्रॉम जीरो टू सिक्स, राइट टू फुल पेजेस, ऐसे आपको टू फुल पेजेस लिखना है, कहां पर, आपकी अपनी नोटबुक में, कौन सी नोटबुक में, पता है ना नोटबुक का नाम, स्क्वायर बॉक्स नोटबुक, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर बॉक्स नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मम्मा से बोलना है मम्मा मेरी वन टू थ्री वाली नोटबुक, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है मम्मा मेरी मैथ्स की नोटबुक दे दीजिए, मुझे उसमें ऐसे काउंटिंग लिखना है, फिर ऐसे काउंटिंग ऊपर लिखना है स्पेलिंग, देन जीरो
1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारी लाइन आपको लिखना है, छोड़ के लिखना है, यहाँ पे बीच में लाइन गैप करना है ताकि आप क्लियर लिख सको, अच्छे से सफाई से लिखना है और रबर का यूज यानी इरेजर का यूज नहीं करना है, बहुत कम से कम करना है। ठीक है, हम लोग ज्यादा रबर का यूज करते हैं तो क्या होता है बेटा, हमसे बार बार मिस्टेक होती है, गलतियां होती है, गलतियां नहीं करना है, अच्छे से लिखना है, बहुत सुंदर राइटिंग है। और थोड़े से हाथ को यहाँ से कड़क रखना है और यहाँ जो ग्रिपिंग होती है ना, ग्रिपिंग को भी अच्छे से पेंसिल को अच्छे से पकड़ के फिर लिखना है, डार्क पेंसिल से लिखना है। ओके, ऐसे ऐसे धीरे हाथ से लिखना है, 1, 2 ऐसे नहीं लिखना, नहीं तो फिर आप मैथ्स में कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, डू योर वर्क योरसेल्फ, अपना काम खुद करना है, किसी से नहीं करवाना है, आप खुद अपने हाथों से लिखना है। यू ऑल आर माई लविंग चिल्ड्रन, और आप कैसे पढ़ेंगे घर में, मम्मी के साथ बैठ के और मम्मी का कहना सुनना, पापा का कहना सुनना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बाहर नहीं जाना है, घर में रहना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ओके।